Hello dear students, good morning to all. Welcome to Abhinav School's online classes. Now let's we continue our class. Exercise 2.1, practice set 2.1, chapter 2. Okay, solve the following equation. We have solved till question 5. Now we are starting question 6. Okay, you should know it is a fraction and it is an integer, it is a number. Okay. Integer. Now we can imagine this is also a fraction. Okay. Now first this step, left hand side we will start and after right hand side. क्या करेंगे हम इस left hand side को start करेंगे. Okay. There is fraction, also there is fraction. You will take LCM. 1.6 और 1 का LCM क्या होगा? 1. Sorry, 1.6. Okay. Now I write here 1.6. Okay. अभी 1.6 ऐसे डिवाइड करना है 1.6 है तो क्या होगा 1 टाइम 1 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे x से क्या आएगा x प्लस का प्लस अब 1 से डिवाइड करना है 1.6 को तो हाउ मेनी टाइम्स 1.6 टाइम ओके नाउ 1.6 मल्टीप्लाई 2.8 ये सिंपलीफाई जिस टाइप से सिंपलीफाई करते हैं उस टाइप से ये ओके इज इक्वल टू 8.8 अपॉन नाउ this step we will solve right 1.6 now x plus अब क्या करेंगे बहुत आप multiply करोगे करेंगे multiply तो 1.6 multiply 2.8 4.48 is equal to 8.8 upon 1 okay now it is also a term and it is also a term. Both are terms. Okay. जब both are terms हो equation में तो एक ही option होता है cross multiply. और जब two terms होते हैं तो क्या कहते हैं LCM. But it is a single term. It is also a single term. यहाँ देखिए two terms है one term second terms. तो यहाँ क्या ले रहा है LCM ले रहा है. इसी टाइप से इसको आप next क्या कहेंगे cross multiply. One को इससे और 1.6 और multiply 1.8. तो देखिए वन टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज एक्स प्लस 4.48 जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज वो होगा अब क्या करेंगे इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 8.8 ओके अब दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इज इक्वल टू एक्स प्लस 4.48 इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 एंड 8.8 इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टीन पॉइंट जीरो एट ओके नाउ ट्रांसफर वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड आई हैव नॉट गॉट इट पुट अप करेंगे एंड 14.08 अब देखिए इट इज इन द पॉजिटिव वी विल ट्रांसफर इन देन The sign will be changed. Means, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस 4.48 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ रही है आपके 14 इनमें से माइनस करेंगे 14.08 में से माइनस करेंगे 4.48 0 10 6 13 9 मींस एक्स की वैल्यू आ रही है 9.60 इट इज योर आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन फाइव माइनस थ्री ब्रैकेट फाइव वाई प्लस टू ब्रैकेट इज इक्वल टू फोर सेवन माइनस 3y ब्रैकेट प्लस अब ये जब इक्वेशन में ब्रैकेट दे रहा हूं ये रहा ब्रैकेट देन वी विल मल्टीप्लाई बहुत बिजी फर्स्ट एंड सेकंड जो भी ब्रैकेट है उसमें हम क्या करते हैं दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं जब ब्रैकेट में हो ओके नाउ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अब देखिए 5 5
अभी ये है माइनस का 3 और ये प्लस में, तो पहले इनको माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस कर लो, प्लस माइनस माइनस का माइनस और 3 5 जा 15, 15 y। अब देखिए माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये रहा माइनस और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन हो गया यहां पर, फिर देखिए 7। अब इनको भी क्या करेंगे, वन टाइम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टाइम 3 y से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 4 जा 28, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12 y और ये प्लस वन। ओके नेक्स्ट स्टेप, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को, कांस्टेंट और वेरिएबल को लिखना है। देखिए यहां पर यह है इज इक्वल टू, ये प्लस में और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा माइनस का 1 और ये माइनस 15 वन इज इक्वल टू, ये 28 प्लस में, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 28 प्लस 1 29 और ये माइनस का 12 वन। ओके नेक्स्ट इज इक्वल टू, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना, नेगेटिव का 15 वाई इज इक्वल टू। अब देखिए इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है माइनस का 12 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसलेशन क्या होगा प्लस का 12 वाई, ये 29 का 29। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कैसा माइनस का 1, राइट हैंड साइड ट्रांसलेशन क्या होगा प्लस का 1, ये आपका प्लस का 1। ओके नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, 15 में से 12 लेस करेंगे क्या होगा माइनस का 3 वाई। ओके इज इक्वल टू 29 प्लस 1 क्या होगा 30, मेरा 30 अपने लगे y की वैल्यू, ये इसमें क्या है अभी मल्टीप्लाई में, ये नेगेटिव 3y क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये y का y इज इक्वल टू ये 30, ये मल्टीप्लाई में जिसे मैं क्या होगा डिवाइड में, ये रहा आपका नेगेटिव 3, अब y इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 3 से डिवाइड करेंगे 30 तो क्या 10 टाइम्स और ये माइनस क्या आपका माइनस 30 आ गया। ओके नेक्स्ट वन एट क्वेश्चन, नेक्स्ट एट है 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y। तो देखिए जस्ट ये फ्रैक्शन है, ये इंटीजर, तो क्या मैंने सपोज बताया आपको यहाँ क्या लेना है 1 लेना है। अब इजी होगा आपके लिए कि एलसीएम, एलसीएम क्या आ रहा है आपके लिए 3 आ रहा है, ये रहा 3। अब देखिए 1 की टेबल ऐसे 3 है तो 3 टाइम्स, अब 3 को क्या करेंगे 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का प्लस 3 बन जा 3 वन टाइम, ये रहा 1 और मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया मैंने, अब राइट हैंड साइड को, ये देखिए इंटीजर सॉरी फ्रैक्शन है और ये इंटीजर, यहां पर भी क्या होगा 1, तो ये क्या एलसीएम क्या हो रहा है इसका 3, इससे डिवाइड किया 3 को हाउ मेनी टाइम 1 टाइम, 1 को वापस 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 26 ये माइनस का माइनस, अब 1 के टेबल से हम इस पे करना है 3 है तो हाउ मेनी टाइम 3 टाइम 3 और मल्टीप्लाई ये रहा इसके अपसाइड y। अब क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये देखिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 6y ये प्लस का प्लस 5 बन जा 5 इज इक्वल टू अपॉन 3 26 बन जा 26 ये रहा माइनस का माइनस ये प्लस माइनस माइनस तो क्या होगा 3y। नेक्स्ट टर्म, अब देखिए ये सिंगल टर्म है और ये भी सिंगल टर्म है, इन दोनों को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब भी सिंगल टर्म्स आते हैं तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वन ऑप्शन इस हमारे पास रिमेनिंग रहता है और वही अदरवाइज हम क्या करेंगे अदरवाइज जैसे इसमें होता है ब्रैकेट में तो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं या ऐसे ही होता है कुछ टाइप से। अब नेक्स्ट एंड फाइनल क्या हमारे पास ऑप्शन है क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो इस टर्म्स को डेनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस डेनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 ब्रैकेट xy 6xy 6y प्लस 5 इज इक्वल टू, अब इस टर्म को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 3 26 माइनस 3 वाई। ओके इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 1 टाइम 6 से और 1 टाइम 5 से 3 6 जा 18 प्लस 15 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए 1 टाइम 26 से और सेकंड टाइम 3 वाई से प्लस माइनस माइनस का 9 वाई। नेक्स्ट 18 वाई, अब देखिए वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना और कांस्टेंट वाला डिजिट को राइट हैंड साइड में, तो ये रहा 18 वाई इज इक्वल टू, अब y और कितना इस राइट हैंड साइड में क्या नेगेटिव है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव का 9 वाई।
इक्वल टू 78 का 78, अभी देखिए इस साइड में किस में है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है तो माइनस में आएगा, तो 15 माइनस हो जाएगा प्लस से राइट हैंड साइड में माइनस में आएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे 18 प्लस 27, 27 y इक्वल टू, अब इसको माइनस कीजिए 3 और ये 63। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में डाल देंगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये y का y इक्वल टू 63। अब ये क्या मल्टीप्लाई में, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में डाल करें 27, तो ये क्या होगा कट, ये 9 से कट हो रहा है, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 23 27, तो x y वैल्यू क्या आ रही है 7/3 आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। ओके 9th कह रहा है, 9th क्वेश्चन आपके 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7। लुक एट द बोर्ड, देखिए ये एक सिंपल टर्म दे रहा है, ये एक सिंगल टर्म दे रहा है। अब इसमें ऐसा नहीं कहा आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कब लेते हैं जब एक फ्रैक्शन हो और एक इंटीजर हो। अब इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर 8x प्लस 4, इसमें आप फ्रैक्शन नहीं ले, अदरवाइज हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं इज इक्वल टू, अब ये आया ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद जस्ट एक डिजिट है उसके बीच में कोई साइड नहीं, मींस इस ब्रैकेट को और नंबर को क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना, तो 3 और x को मल्टीप्लाई क्या आएगा 3x, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस में है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3, ये प्लस का 7। ओके नेक्स्ट वन 8x, अब ट्रांसफर करेंगे जो भी प्रोसेस होगा सेवन करेंगे इसको इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें 3x, ये रहा 3x, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस 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 हो रहा, तो क्या करेंगे माइनस 7 प्लस 3 माइनस करेंगे तो क्या करेंगे प्लस का 4, क्योंकि 7 ग्रेटर देन है 3 से इसलिए आएगा प्लस का 7। अब वही वेरिएबल को एक लेफ्ट हैंड साइड में डाल देंगे, वेरिएबल है 8x, इस साइड में 3x, इस ये रहा इज इक्वल टू साइन चल रहा है, इस इज इक्वल टू साइन इस साइड में आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका ये राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में डाल देंगे क्या होगा माइनस का 3x इज इक्वल टू, ये आपका 4 का 4 है, इस साइड में क्या है ये प्लस में, इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा माइनस का 4। अब देखिए इनको डाल दीजिए माइनस कीजिए प्लस माइनस माइनस 8x में 3x प्लस में क्या आएगा 5x इज इक्वल टू, ये 4 प्लस 4 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी 0.5 मींस 0, यानी x फाइनल आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 0, ये आपका आंसर है। ओके लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, डू योरसेल्फ इन योर नोटबुक ओके एंड सबमिट मी योर वर्क, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑन इन 10th क्वेश्चन यू सबमिट मी, यू राइट मी इन कमेंट और टेल मी। ओके टेक केयर, बाय बाय।